अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सोमवार को शाम 4 बजे थाना परिसर मऊगंज में आगामी त्योहार नवरात्रि व दशहरा को लेकर पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन के निर्देशानुसार थाना प्रभारी श्वेता मौर्य द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जो कि SDM AP द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लोगों से आगामी नवरात्रि व दशहरा को सकुशल संपन्न कराने की अपील की। शांति समिति की बैठक में SDM AP द्विवेदी ने कहा कि यह त्योहार हमारी सनातन धर्म के रीति परंपरा के प्रतीक है, जो कि आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने आपसी प्रेम भाईचारा के साथ त्योहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि दुर्गा पंडाल में 2 व्यक्तियों को वॉलेंटियर के रूप में रात्रि के वक्त रुकना होगा और रात्रि 10 बजे तक ही साउंड सिस्टम का उपयोग करने को कहा गया है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा तय समय पर बंद नहीं करने व मानक डेसिबल से अधिक आवाज में DJ बजाने पर होगी कानूनी कार्यवाही। वहीं दुर्गा पंडालों में मार्ग अवरुद्ध नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी लोगों को अफवाहों से दूर रहें व किसी भी तरह की अफवाह की सूचना पुलिस को तुरंत दे। प्रशासन की व्यवस्था के साथ असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर होगी। कुछ श्रद्धालु दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और ये 9 दिन तक रखते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। प्रपात के पास है ये, इसमें सभी के लिए हमारा 2-3 सुझाव है, फिर इसके बाद आप लोगों के भी जो सुझाव है राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।